हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राखी पवार और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी। अगर आपके फेस पर झाइयाँ हो गई हैं और आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, झाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं, तो ये वाली जो होम रेमेडी है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज जो मैं आपके साथ होम रेमेडी शेयर करूंगी, अगर आप उसको 7 डेज तक अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, फेस पैक बनाकर उसको लगाते हैं 7 डेज तक, तो आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और अगर आपकी स्किन डार्क हो कि ये डार्क सर्कल है आंखों के नीचे, डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, पहले दिन से ही आपको अपनी स्किन पर फर्क दिखने लगेंगे। ये फेस पैक जितना बनाना आसान है उससे कहीं ज्यादा इसके अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत इजी है इसको बनाना। और दो ही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इस फेस पैक के लिए और दोनों ही इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन में इजीली मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और सुंदर बना सकते हैं। जब हमारी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं आंखों के नीचे, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो हमारा जो फेस है बहुत ज्यादा गंदा नजर आने लगता है। चाहे रंग कोई भी हो, गोरा हो काला हो, वो मैटर नहीं करता है, हमारा जो फेस है वो साफ और क्लीन होना चाहिए। उसके लिए आपको होम रेमेडी अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करनी चाहिए। ये फेस पैक बहुत ज्यादा अच्छा फेस पैक है और पहले दिन से ही आपको अपनी स्किन पर फर्क दिखने लगेगा। 7 डेज तक आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपनी स्किन पर फर्क दिखेगा। फेस पैक बना लेते हैं और यहाँ पर फेस पैक बनाने के लिए मुझे लाल मसूर दाल चाहिए और लाल मसूर दाल हर किचन में होती है। ये दाल खाने में तो टेस्टी है ही और हेल्थ बेनिफिट देने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ही सुंदर बनाती है। लाल मसूर दाल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये फाइन लाइन को हटाकर एजिंग को धीमा करती है। लाल मसूर दाल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारी स्किन को मुलायम और चमकदार बनाती है। विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। चेहरे से झाइयों और डार्क स्पॉट्स को हटाने में हेल्प करती है। हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाती है। अगर मसूर दाल को आप अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करते हैं, इसको फेस पैक के रूप में अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याओं को ये दूर करने में हेल्प करेगी। मसूर दाल हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा एक चमत्कार की तरह साबित हो सकती है। अगर आप इसको डेली बेसिस पर लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाएगी। फेस पैक कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। मसूर दाल को पीस कर आपने इस तरह से पाउडर बनाना है और पाउडर बनाकर आप इसको एक कंटेनर में रख लें और जब आपको फेस पैक बनाना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर उम्र से पहले ही आपके फेस पर फाइन लाइन आ गई है तो ये मसूर दाल उसको भी कम करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल ले लिया है और 1 चम्मच मसूर दाल पाउडर मैं बाउल में डाल दूंगी और अब मैं इसमें कच्चा दूध डाल दूंगी। कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कच्चा दूध हमारी स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में हेल्प करता है और कच्चा दूध डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कच्चा दूध हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पतला रखा हुआ है। आपने इसी तरह से रखना है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है और 2 घंटे के बाद हमने इसको अप्लाई करना है। और यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो फेस पैक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना टाइट हो गया है। अगर आप इसको पतला नहीं रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, तो आप उसी हिसाब से इसको पतला रखें। और अब मैं इसको अप्लाई करूंगी और यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो फेस है उसको वॉश कर लिया अच्छे से और अब मैं फेस पैक को अपने फेस पर लगा लूंगी। और आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाथों से भी लगा सकते हैं। ये फेस पैक आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाएगा, स्पॉटलेस बनाएगा, झाइयों को रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा और आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल हैं उनको रिमूव करेगा। और बहुत ज्यादा सस्ती और अच्छी होम रेमेडी है, आप इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं अपने फेस पर फेस पैक लगा लूंगी। मैंने यहाँ पर अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से फेस पैक लगा लिया है और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और फेस पैक बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। और अभी मैं अपने फेस पैक को गीला कर लूंगी और 5 मिनट की मैं मसाज करूंगी। जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो 5 मिनट की मसाज जरूर करनी चाहिए, इससे हमारा जो फेस है बिल्कुल क्लीन हो जाता है और थोड़ी बहुत भी गंदगी हमारे अगर फेस पर होती है तो वो क्लीन हो जाती है। और 5 मिनट की मसाज करूंगी मैं और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा जो फेस है बिल्कुल क्लीन हो गया है।
और यहाँ पर मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, मैं अभी फेस वॉश करके ही आई हूँ। मैंने अपने चैनल पर अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वो भी झाइयों के लिए। आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया है और आप इसको भी अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। चेंजेस कर करके आप दोनों को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को हर चीज सूट नहीं आती है। फ्यूचर में आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडी शेयर करूंगी, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।